हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम लारावेल 8 में S3 बकेट पर इमेज कैसे अपलोड कर सकते हैं। तो जो भी चैनल पर नया आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन नेक्स्ट वीडियो की मिलती रहे, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि हमें इमेज अपलोड करनी है S3 बकेट के ऊपर। तो उसके लिए क्या करना होगा, पहले हमें क्या जाना होगा AWS में लॉगिन करके और यहाँ पर सर्च करना होगा S3, ठीक है। आपके पास ये ओपन हो गया आएगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। आपको क्या करना है कि यहाँ पे एक बकेट बनाना है जिस बकेट में आपको इमेज अपलोड करनी है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, ऑलरेडी बनाया हुआ है तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार बना के कैसे बनाना है। यहाँ पे क्या रखना है, अपना बकेट का नेम, ठीक है, कुछ भी रख लेंगे। और यहाँ पे आपको जो भी एरिया आपका डिफाइन करना है वो आप एरिया डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, नीचे सीधा बस क्रिएट कर देना है। ओ, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो क्या कर लेते हैं, 1 2 3। ऑलरेडी एग्जिस्ट, चलो इसको कर लेते हैं सेम वैल्यू, ठीक है। ये ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं है, अब इसको क्या कर देंगे, यहाँ पे क्रिएट कर देंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे हमारा क्रिएट हो गया है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, ठीक है, तो इसमें क्या करूँगा मैं, इसको मैं रखूँगा नहीं क्योंकि मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अगर डिलीट करना है तो आपको यहाँ पे सेम वैल्यू, ये मैंने आपको बना के दिखाया था बस, ठीक है। आपने ये बना लेना है और उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे जाना है IAM सर्च करना है। IAM में जाएंगे आप, ठीक है, यहाँ पे यूजर पे क्लिक करेंगे लेफ्ट साइड में, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ पे एक यूजर बनाना है, ठीक है। हमें ऑलरेडी बना रखा है तो इसलिए हम यूजर बनाएंगे नहीं, लेकिन मैं आपको स्टेप दिखा देता हूँ कि स्टेप में आपको क्या क्या रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे अपना नाम भरना है, जैसे मैंने भर दिया विजय, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, एक्सेस प्रोग्रामेटिक एक्सेस पे क्लिक करना है, ठीक है, और नेक्स्ट पर आपको परमिशन दे देनी है, ठीक है। नेक्स्ट पे जाएंगे अटैच पॉलिसी में और यहाँ पे क्या करना है, S3 चेक करना है। यहाँ पे क्या करना है आपको, S3 बकेट पे अपलोड करने के लिए आपको क्या कौन सी परमिशन सेलेक्ट करनी पड़ेगी, अमेजोन S3 फुल एक्सेस, ठीक है। इसको यहाँ पे चेक करेंगे और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। ये हमारे पास ऑप्शनल होता है, ठीक है। यहाँ पे टैग ऐड होते हैं तो आप इसको ऐसे ही छोड़ भी सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ये हमारा रिव्यू पेज है, ठीक है। इसमें आपको सब चीज़ दिख जाएंगे, पीछे आपने क्या क्या सेलेक्ट किया है। यहाँ पे यूजर नेम आ गया है विजय आपका, आपने कौन कौन सी परमिशन दी है, ठीक है। यहाँ आपके पास आ गई है अमेजोन S3 फुल एक्सेस, आपको परमिशन दी गई है इस यूजर को, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आप क्रिएट यूजर पे, यहाँ पे आपका यूजर क्रिएट हो गया है, ठीक है। वो यूजर क्रिएट होने के बाद आपको क्या मिलेगी, यहाँ पे नेम आ गया विजय, ठीक है। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, एक्सेस की आईडी और सीक्रेट की आईडी। यहाँ पे शो पे आपको क्लिक करके देख सकते हैं कि आपकी जो सीक्रेट की आईडी है वो क्या है, ठीक है। अब इसको एक्सेस की आईडी को सीक्रेट की आईडी को आपके प्रोजेक्ट में जाएंगे, ठीक है। यहाँ में ENV में जाएंगे और यहाँ पे क्या चेक करेंगे आपको, AWS एक्सेस की, यहाँ पे आपकी एक्सेस की आईडी होगी और यहाँ पे आपकी सीक्रेट की आईडी रखी जाएगी, ठीक है। जब आपने बकेट क्रिएट कर जो वहाँ पे रीजन होगा तो यहाँ पे आपका रीजन आ जाएगा और यहाँ पे AWS बकेट में क्या आ जाएगा, आपका बकेट का नेम, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि एक और वेरिएबल ऐड कर लेना है, ठीक है। AWS यूज पाथ स्टाइल एंड पॉइंट, इसको क्या कर देना है आपको, फॉल्स कर देना है, ठीक है। ये सब करने के बाद आपको क्या करना है, आपको पैकेज इंस्टॉल करना है AWS का, ठीक है। अभी हम अभी तक हमने क्या किया है, पहले S3 बकेट क्रिएट किया, ठीक है, उसके बाद एक यूजर को क्रिएट किया, उसको परमिशन दी। अब उसके बाद क्या करना है, हमें पैकेज इंस्टॉल करने हैं। पैकेज हमारे पास कौन कौन से हैं, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कंपोजर रिक्वायर AWS का पैकेज हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, लीक फाइल सिस्टम का पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये दोनों पैकेज हमने इंस्टॉल कर लिए हैं तो हम इसको इंस्टॉल नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, हम अपने पेज में जाते हैं, ब्राउजर में, ये हमारा पेज है, ठीक है।
S3 बकेट का। तो इस पे इस पेज में जाएंगे, देख लेते हैं हमें क्या 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 किया हुआ। इसमें एक राउट बना लेते हैं इसका, यहाँ पे जाएंगे व्यू में। व्यू में क्या है, ये वेलकम, ये हमारा पेज है। इसमें देखिए ये हमें फॉर्म ऐड किया हुआ है, इनके टाइप मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा हमने ऐड किया हुआ है। ठीक है, इसको एक्शन क्या दिया हुआ हमने, इमेज अपलोड का। ठीक है, और जो हमारा फाइल टैग है उसके इसका नेम क्या है, इमेज। ठीक है, इमेज हमने उसका टैग दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे इसे कॉपी कर लिया। अब जाएंगे हम रूट फाइल में, यहां से इसे सर्च करते हैं। यहाँ पे हमारा ऑलरेडी एडिड है, अगर आपको नहीं एडिड है किसका तो उसको ऐड कर सकते हैं हम। ठीक है, इमेज अपलोड हमने ऐड की पहले ही ऐड किया हुआ है, पोस्ट इसका मेथड दिया हुआ है, और इमेज अपलोड ये कंट्रोलर में इमेज अपलोड को हिट करेगा। ठीक है, यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं और कंट्रोलर फंक्शन में जाते हैं। यहाँ पे गए HTTP में, एक्शन में, और यहाँ पे कंट्रोलर में गए। ये हमारा इमेज अपलोड के नाम से फंक्शन है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद यहाँ से कोड कोड करना है हमें अपना स्टार्ट। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे पहले हम कंडीशन चेक कर लेंगे। इफ रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट के बाद क्या करना हैज, ये क्या चेक करेगा, ये चेक करेगा कि हमारे पास जो जो होम से इमेज आ रही है या नहीं। ठीक है, ये चेक हो गया हमारा। और इसके इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे फाइल के नाम से। ठीक है, और यहाँ पे रिक्वेस्ट के नाम से और फाइल, और ये हमारा हो गया इनपुट बॉक्स का नेम इमेज, ये फाइल इसमें हमारी आ गई है। उसके बाद क्या करेंगे, पाथ पाथ देंगे हम, पाथ में क्या आएगा हमारा फोल्डर का नेम, एस फोल्डर कर लेते हैं इसको। ठीक है, और यहाँ पे डॉट, और यहाँ पे टाइम, टाइम हम इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि जैसा हमारे पास दो इमेज एक ही नाम से अपलोड होगी तो क्या होगा, वो ओवरराइट हो जाएगी। तो इसे ओवरराइट से बचाने के लिए हम इसको एक यूनिक आईडी ऐड कर ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे फाइल और गेट क्लाइंट ओरिजिनल नेम। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो फाइल का नेम होगा वो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ओरिजिनल नेम, ये हमारा फंक्शन हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, हमें अपलोड का S3 पे अपलोड का कोड लिखना है। ठीक है, स्टोरेज, स्टोरेज का S का हमारा कैपिटल होगा, नेक्स्ट होगा हमारा डिस्क, डिस्क कौन सी होगी हमारी, S3। ठीक है, उसके बाद हमारा फंक्शन होगा पुट, पुट के नाम से होगा, और उस पुट में हम क्या क्या रखेंगे, पाथ, सॉरी ये होगा PATH पाथ आ गया हमारा, और फाइल गेट कंटेंट्स, इसमें इसमें क्या होगा हमारा फाइल। ठीक है, इसमें रखेंगे हम अपना फाइल, और ठीक है नीचे नीचे हम इको करा देते हैं। यहां लिख देते हैं फाइल अपलोडेड। ठीक है, अब इसको सेव करा देते हैं। सेव कराने के बाद क्या करेंगे, अपने ब्राउजर में जाएंगे, यहां पे रिफ्रेश करेंगे इसको। रिफ्रेश करने के बाद क्या करेंगे, यहां पे इमेज सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करेंगे। ये देखें यहाँ पे इमेज अपलोड का, फाइल अपलोड का मैसेज आ गया। तो चलिए चेक कर लेते हैं कि फाइल अपलोड हुई है या नहीं। यहाँ पे क्या करेंगे, S3 क्लिक करेंगे।
और ये हमारा बकेट यहाँ पे ओपन हो गया, ठीक है। ये हमारे इसको भी प्रॉपर्टी बकेट है, ठीक है। यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि हमारा फोल्डर बना हुआ है या नहीं। ये देखिए, ये हमारा फोल्डर एस फोल्डर के नाम से बन गया है। यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये देखिए हमारी इमेज भी यहाँ पे अपलोड हो गई है, ठीक है। इसको चेक कर लेते हैं ये हमारी इमेज है या नहीं है। यहाँ पे ओपन हो गया, यहाँ पे क्लिक करेंगे इसे, ये देखिए हमारी इमेज अपलोड हो गई है, ठीक है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं आप S3 पे बकेट पे अपनी इमेज को लारावेल में, लारावेल 8 में अपलोड कर सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा सिम कुछ नहीं है, तो सिर्फ आपको क्या करना है, पहले आपका AWS पे जाके वहाँ पे बकेट क्रिएट करना है, फिर वहाँ पे एक यूजर क्रिएट करना है जिसको आपको परमिशन देनी है, उसकी क्रेडेंशियल जो है वहाँ पे ENV फाइल में ऐड करनी है, और ये दो उसके लिए दो पैकेज आपको इंस्टॉल करनी है, ठीक है, AWS का और फाइल सिस्टम का। उसके बाद क्या करना है, आपको सिंपल सा कोड 3 लाइन का कोड लगाना है, ठीक है। इस कोड से क्या होगा, आपको S3 बकेट के ऊपर आपकी इमेज अपलोड हो जाएगी, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।